कुशीनगर जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सफलता मिली है और पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार पांडे के अभियान और पुलिस क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी के दिशा निर्देश में आज सुबह गश्त के दौरान तरैया सुजान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को पकड़ा है, उसमें से 21 पेटी क्रेजी रोमियो शराब मिली है। आपको बता दें कि तरैया सुजान थाना क्षेत्र के नैनू पहरू खुदरा मार्ग पर एसओ विनय पाठक, चौकी प्रभारी बहादुरपुरा विकास यादव, दीवान चंद्रशेखर सिंह, सिपाही कलका प्रसाद के जरिए मुखबिर को सूचना मिली थी कि नैनू पहरू गांव के निकट एक स्कॉर्पियो आने वाली है जिसमें कि अंग्रेजी शराब है। फिर उन्होंने घेराबंदी करके इस स्कॉर्पियो को रोका और उससे शराब को बरामद किया। वहीं वाहन चालक तस्कर मोहन चौहान ग्राम बनारिया ताय सुजान निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि बिहार से ये सप्लाई किया जा रहा था। एसओ ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जांच में जो प्रकाश में आए हैं तथ्य, उसके मुताबिक अभियुक्तों का एक सुसंगठित गिरोह है जो कि योजना बनाकर काम करता है, जो अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए शराब को तस्करी करते हैं और धन कमाते हैं। जसवंत थाने के भादुपुर चौकी के अंतर्गत आज सुबह मुखबिर की सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो में बरामद किया गया है 1008 सीसी दारू, जिसमें कई रोमियो ब्रांड के दारू पाई गई है, अरुणाचल में दारू। एक व्यक्ति भी पकड़ा गया है, व्यक्ति का नाम मोहन करके है, वो यहीं तमकुही राज का ही रहने वाला है और इन्हें खिलाफ जो है अधिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।